हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में काफी सारे एनिमे अपडेट्स हैं जिनको सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। इस तरह चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ए सिस्टर वेंचरिंग आउट के एनिमे को लेकर, जिसका एक स्पेशल इवेंट होने वाला है 11 जून को। साथ ही जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के बारे में बात करें जिसका एक नया इलस्ट्रेशन हम लोग को देखने मिला है। साथ ही इसका सीजन 2 हम लोग को नेक्स्ट मंथ 6 जुलाई से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मकुरु शिंकाई की फिल्म फेस्टिवल जो कि अभी इंडिया में चल रही थी वो हम सभी पता है कि 25 मई को एंड हो गई थी, लेकिन पीवीआर ने अभी इस चीज को और एक्सटेंड कर दिया है और आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए और मकुरु शिंकाई की मूवीज देखने को मिलेगी पीवीआर पर। तो अगर आप लोगों को मकुरु शिंकाई की कोई मूवीज को देखना है तो आप लोग अपने नजदीकी पीवीआर थिएटर में जाके देख सकते हो। साथ ही इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के पार्ट 1 की मूवी की जो टिकट की बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। इसके अलावा एक एनिमे की मूवी भी है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे चेंसो मैन की एनिमे मूवी जो है वो अभी अपने अर्ली स्टेज के प्रोडक्शन में है जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा द इमिनेंस इन शैडो सीजन 2 का जो शेड्यूल है वो अक्टूबर है ये हम लोग को पता है, लेकिन जो सीजन 2 के अंदर टोटल एपिसोड होने वाले हैं वो 12 एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है गर्ल्स बैंड क्राई नाम के एनिमे से लेकर, जिसका एक नया की विजुअल देखने को मिला है। साथ ही अभी तक रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए देखते हैं शायद कुछ टाइम बाद इसकी रिलीज डेट जो है वो अनाउंस हो जाए। और इसके अलावा कुछ और अपडेट्स के बारे में बात कर लिया जाए, जैसे बुक माई शो के ऊपर मूव लव अल्टरनेटिव नाम का एनिमे जो है वो स्ट्रीम हो रहा है और कुल मिला के इस एनिमे के 2 सीजन स्ट्रीम हो रहे हैं अभी बुक माई शो पर। तो अगर आप लोग इस सीरीज को देखना है तो आप लोग इसे रेंट करके देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात जो कि आता है क्रंची रोल इंडिया को लेकर, क्योंकि क्रंची रोल के ऊपर कुरुकुस बास्केटबॉल के सभी सीजन्स यानी सीजन 1 से लेके 3 और 3 रिकैप की मूवीज और द मूवी लास्ट गेम सभी जो है वो अभी क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम हो रही है। तो मतलब कुरुकुस बास्केटबॉल की जो पूरी सीरीज है वो आप लोग को अब क्रंची रोल इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं क्रंची रोल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को लेकर एक और न्यूज निकली है कि इसको एक स्पिन ऑफ मांगा मिलने वाली है जो कि स्टार्ट होने वाली है 20 जून 2023 में। इसके अलावा एक और बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात कर लें जो कि आता है अमेजन प्राइम वीडियो और को लेकर, क्योंकि कैसे ग्लोबल मीडिया ने अभी कोलैबोरेशन किया है अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ, जिसकी वजह से अब हम लोगों को एनिमेक्स प्लस जेम के शोज जो है वो उनके चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और वो कौन कौन से टाइटल्स हैं जो कि अभी स्ट्रीम हो रहे हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और अब कुछ शेड्यूल रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात करें तो आज आप लोगों को डिज्नी चैनल के ऊपर डोरेमोन मूवी गैजेट म्यूजियम का रहस्य देखने को मिलेगा और साथ ही डोरेमोन डायनासोर योद्धा की मूवी देखने को मिलेगी आप लोगों को। इसके अलावा सोनी के शेड्यूल के बारे में बात करें तो सोनी के ऊपर अभी आप लोगों को एक नया शो देखने को मिलने वाला आज से, जिसका नाम है ऑगी ऑगी, जो कि आप लोगों को 7:30 बजे से देखने को मिलेगा सोनी के ऊपर। और मैं आप लोगों को इस शो को देखने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा क्योंकि ये प्री स्कूल शो है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई फोर्स करने वाला नहीं हूँ कि आप लोग चाहो तो इसे जाके देख सकते हो, क्योंकि ये शो हम लोग के लिए है ही नहीं। इससे अच्छा आप लोग सर्जन के रोरो देख सकते हो, क्योंकि सोनी जो है वो सर्जन के रोरो को फिर से टेलीकास्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं और अब आप लोगों को सर्जन के रोरो रात के 12:30 बजे देखने को मिलेगा आप सोनी के ऊपर। और हाँ, मुझे पता है कि सोनी ने टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब रखी है, मतलब इस टाइम तो कोई टीवी देखता ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को इस एनिमे को फिर भी देखना है तो आप लोग इसे जियो टीवी के ऊपर देख सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है मिराकुलस लेडीबग सीजन 5 को लेकर, जिसके बारे में आप लोग मुझे अक्सर पूछते रहते थे कि इसका सीजन 5 जो है वो कब आएगा डिज्नी चैनल पर, तो उसी को लेकर एक फाइनली प्रोमो हम लोग कल देखने को मिल चुका है और ये शो आप लोगों को 12 जून से डिज्नी चैनल के ऊपर दिन के 3 बजे से देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है नारुतो के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर, क्योंकि कल हम लोग को नारुतो के सीजन 5 का एपिसोड 17 और 18 देखने को मिला था और कल के एपिसोड के अंदर डबिंग और स्क्रिप्टिंग यार काफी ज्यादा कमाल की गई थी। मतलब एक तरह से मैं यही कहूंगा कि कल के एपिसोड की डबिंग और स्क्रिप्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट की थी सोनी ने, क्योंकि कल हम लोगों के सबसे फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री हुई है जिसका नाम है रॉकली और अब अपने वो नए फॉर्म में किमिमारू से फाइट कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा फनी लगा देखकर। स्पेशली अगर बात करें रॉकली की डबिंग के बारे में जो कि कल मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ड्रंकन रॉकली की डबिंग करना मुझे लगा शायद वो लोग थोड़े से बिगाड़ दें, लेकिन सोनी ने कल इसे काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया। साथ ही मुझे याद है जब रॉकली को पहली बार नारुतो हिंदी डब में इंट्रोड्यूस कराया गया था तब उसकी जो वॉइस सबने सुनी थी तब इसकी वॉइस को लोग जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि इसकी वॉइस जो है वो अच्छी नहीं है, इसकी वॉइस थोड़ी सी एडल्ट वाली है। ऐसे घूर क्या रहे हो, उल्लू हो क्या? लेकिन कल की डबिंग के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर सोनी जो है वो रॉकली की वॉइस चेंज कर देते हैं तो शायद रॉकली को फिर देखने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता जितना अभी आ रहा है। इसके अलावा हम लोग ने डबिंग वाले बात करी ली, लेकिन हम लोग कल एक और कैरेक्टर देखने को मिला है जो की है गारा और उसकी टीम, और गारा और उसकी टीम भी हम लोग कल देखने को मिली है, यानी आज के एपिसोड में हम लोग को गारा की फाइट देखने को मिलेगी किमिमारू के साथ। तो आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज का एपिसोड आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, टीवी पे जरूर देखना आज के एपिसोड को। और इसके अलावा आप लोग बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये कह रहे हो कि माइट गाय और ओरोचिमारू की वॉइस जो है वो इस बार चेंज हो गई है नारुतो की हिंदी डबिंग में, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग बता देता हूँ, क्योंकि कल हम लोगों को माइट गाय की वॉइस सुनने को मिली थी और माइट गाय की वॉइस जो है वही पुरानी वाली वॉइस थी जो हम लोगों को पहले सुनने को मिली थी। मैं सारा था
कि क्या बताऊं, वैसा कभी नहीं देखा था। और जहां तक ओरोचिमारु की वॉइस के बारे में बात करें तो ओरोचिमारु की वॉइस जो है वो अभी चेंज नहीं हुई है, वो सीजन 3 के टाइम चेंज हुई थी, इसलिए सीजन 3 वाली वॉइस जो है वो अभी भी हम लोग को सुनने को मिल रही है सीजन 5 में। इसलिए मेरे हिसाब से तो अभी तक किसी भी कैरेक्टर की वॉइस चेंज नहीं की गई है। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले एपिसोड के अंदर कोई कैरेक्टर की वॉइस चेंज हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को कल का एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और बस आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस हम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।